कुछ समय पहले इंसानों और एल्फ्स ने साथ में एक महायुद्ध लड़ा था। वो मैं हूँ क्रिश। इंसानों ने मेरी बहादुरी के लिए मुझे इनाम भी दिया था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही इनाम था, लाली का प्यार। एल्फ्स की राजकुमारी, वो मुझे प्यार से क्रिश ही बुलाती है। हम दोनों को अपनी अपनी दुनिया में वापस आना पड़ा, पर मुझे गम नहीं, आखिर हमने एक ड्रैगन को मार गिराया है। अगर ड्रैगन जिंदा होता तो हम दोनों की कहानी कुछ और ही होती है ना। सुंदर है, आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगेंगी। मैं बहुत खुश हूँ। और आप? मैं भी खुश हूँ। इस दिन का मैंने सदियों से इंतजार किया है। लाली, कपड़े चुनने में मदद के लिए शुक्रिया। ओ हाँ, क्रिश के बारे में क्या आपने? तुम जानती हो ना, तुम्हारे भाई को ये सब पसंद नहीं है, पर उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने इंसानी दोस्तों को कैसे न बुलाएं, उनकी वजह से हमारी जीत हुई है। अरे वाह, मुझे पता है ये फैसला बहुत आसान नहीं था। शुक्रिया माया, मेरा मतलब राजकुमारी। साम्राज्य में ज्यादातर लोग तुम्हारे भाई जैसे हैं, इंसानों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। अपने दोस्तों को कह देना कि वो बर्ताव अच्छा करें। जाओ, ये मेरे क्रिश को देना। This movie is encoded by Toonworld for all.me. अरे है तो ये चाकू ही ना, इसके लिए दो सिक्के बहुत हैं। मैंने ड्रैगन को इससे मारा है और ये हथियार मैंने खुद बनाया है। चाचा जरा पकड़ना। हे, ये तो लाली ने भेजा है। अरे रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? वापस आ जा मेरी जान। तू देगा या नहीं देगा? हे चल जा। इस खुशी के मौके पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। अरे यार, इसे पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। एल्फ्स के राजकुमारी की शादी होने वाली है क्या? इसके लिए क्रिश और उसके दोस्तों को आमंत्रित किया जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं एल्फ किंगडम जाऊंगा, मैं लाली से मिलूंगा। उसे ये दे देना, याद से घोंचू, समझा? हे यस। लाली 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 लाली, आज के धंधे का पैकअप, मुझे कुछ खास काम करना है। जंग के मैदान को सब लोग भूल गए हैं, एल्फ के साम्राज्य के सभी शहीदों को भूल गए, वहाँ एक मणि है उसे भी भूल गए, और साथ साथ मुझे भी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? ओ काले मणि, आपके नाम एक बलिदान करती हूँ। का जो खून मेरे अंदर बह रहा है, उससे हम दोनों का मिलन हो। जंग के इस कब्र पर हम अपना घर बनाए, और ये भूली बिसरी आत्मा हमारे दोस्त बने। एल्फ के राजा, बस कुछ दिन और, जल्दी ये गद्दी मेरी होगी। Huh?
शांत हो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ ना। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? सावधान! एक मिनट रुको, कहां भाग रहे हो तुम? ओ ये मक्खी भी ना। रुको! इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। सुनो बोलू, काटो उसे। बोलू, दरवाजा खोलो, हम आज कद्दू की सब्जी खाएंगे। इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? मैं बहरा नहीं होना चाहता। नहीं नहीं सुनिए, यहाँ पर एक उड़ता हुआ कद्दू था, अब वो भट्टी में है। क्या खुशबू आ रही है, वो मर गया। अंगूठी, मैं तुम्हें उम्दा हथियार बनाना सिखा रहा हूँ और तुम मेरी भट्टी का इस्तेमाल ये गहने बनाने में कर रहे हो। आप जो सोच रहे वैसा नहीं है। ये पता है ये क्या है? जब तुम कमान लगाते हो तो उंगली कट सकती है, ये उससे रक्षा करती है। और दिल की रक्षा कौन करेगा? हाँ, गेल्फ से प्यार करने पर क्या होता है, तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। मेरी बात याद रखना। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देख लेना। और वैसे भी वो प्यार ही क्या जिसकी कोई खतरनाक कहानी ना हो, है ना? शादी का ऐसा तोहफा दे जो वो कभी भूल ना पाए। क्या क्रिश, आका ने इसे मेरा नाम दिया है। आओ दोस्तों, चलो चलते हैं। हे आका, कैसे हैं आप? क्या मैं जहाज बना सकता हूँ? पर ये यहाँ क्या कर रहा है? आ भी जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? ओए, हम तो उड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं चिड़िया हूँ। और अब मैं तो अपना घर भी देख सकता हूँ। और नहीं, मैं तो दरवाजा बंद करना भूल गया। आका देखिए, एल्फ के साम्राज्यों के लिए नियमों की छोटी सी पर्ची। ओ, ओ। क्या नियम? 250, किसी नए एल्फ से मिलने पर झुक के सलाम करने के लिए मत भूलिए। अगर 5 दशमलव कम हुआ या 50 दशमलव ज्यादा हुआ तो उसे माना नहीं जाएगा। हमें ये सब सीखने की जरूरत नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड एल्फ नहीं है।我要穿越云间来到你身边。
क्या बात है, मैंने आज तक जितनी भी चीजें बनाई है ये उसमें सबसे बेहतरीन है। बस दुनिया का सबसे बढ़िया उड़ने वाला मड़ी इसमें लगा दो और फिर तैयार हो जाओ आसमान में आजाद परिंदे की तरह उड़ने के लिए, और ये बन जाएगा दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला यार। शुक्रिया लालू, इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छे हो तुम। चुप, बकवास बंद करो। सुनो लालू, ये यान पहले टेस्ट किया या नहीं? सुनो सुनो, इसे चलाना तुमने सिखाया ही नहीं। ये बहुत ही आसान है, तुम्हें बस चिड़िया की तरह उड़ना है और डरने की कोई बात नहीं। और तेज, और तेज। रास्ते से हट जाओ। समझ गया, चिड़िया की तरह उड़ना है। खुल जाओ। कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट उस तरफ है। और ये क्रिश कहाँ है? मैं भी तो उसी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है वो जो काला डॉट है ना, वहाँ है वो। क्या दिख रहा है ना तुम्हें? वहाँ उस पेड़ के ऊपर। अरे नहीं नहीं, वहाँ वहाँ। अबे तुम अंधे हो क्या, दिखता नहीं अभी है? अभी के अभी शिप पर उसे वापस लेकर आओ, वरना तुम भी किसी को नजर नहीं आओगे। बिल्कुल चिड़िया की तरह। सही कहा ना? चाचा मुच्छन लाल, क्या कमाल की चीज बनाई है आपने। गोलू बोलू, आओ बैठो। लाली मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा मेरा शिप बहुत अच्छा है। मैं तो कमाल का वैज्ञानिक हूँ। नाटक बंद करो अब। वो है मेरा। हाँ, हाँ, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। ये शिप मैंने बनाया है, मैं तो ऐसे नहीं चल रहा हूँ। मैंने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब बस भी करो। सुना है महारानी ने बुलाया है इन्हें। ऐसे कैसे हो सकता है? लाली, वो कृष्ण, अरे कृष्ण तुम आ गए। कितने दिन बाद मिले हैं? तो कैसे हो तुम? तुम पहले जैसी ही सुंदर हो। तुम खूबसूरत इंसान को सबसे मिलाना नहीं चाहोगी? मेरा मतलब एक खूबसूरत नौजवान। हाँ चाहती हूँ, लेकिन सबसे बचने में ही फायदा है। रास्ता दीजिए, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। तुम्हारे भाई को पता है मैं यहाँ हूँ? उन्हें जल्दी पता चल जाएगा।
जोर से पकड़ो। आराम से चलाओ ना। जोर से पकड़ो। तुमने मुझे जोर से नहीं पकड़ा है। ठीक है तो ये लो। नहीं बस बस गुदगुदी नहीं नहीं सच में गुदगुदी मत करो प्लीज नहीं। माफ कीजिएगा। अच्छा तो अब हम फिर ऊपर जाएंगे। ये देखो एक और बार। हे कैसी हैं आप शादी के लिए बधाई। हे सर झुकाओ। ये महारानी है। चलो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आने वाले थे। क्योंकि मुझे पता था आप इसके लिए हाँ नहीं कहेंगे। पर सच ये है ये आपकी बहन का दोस्त है। बॉयफ्रेंड। इंसान की जिंदगी हम लोगों से कहीं छोटी होती है। मेरी बहन आखिर एक इंसान से प्यार कैसे कर सकती है। वैसे भी ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको बताने का क्या फायदा। क्योंकि वो बेवकूफी और बचपने का काम कर रही है। इस रिश्ते के खत्म होने तक लाली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वक्त आने पे वो सब समझ जाएगी। रोक टोक करेंगे तो सीख नहीं पाएगी। उतना वक्त नहीं है। अजीब राक्षसों के मिलने की खबर मिली है हमें। लोगों का कहना है कि इसका काले तूफान से कुछ लेना देना है। क्या? एक अनदेखा शत्रु हमारी ओर बढ़ रहा है। समझ रही हो ना, ये सब उसे छोड़ना होगा। चिंता मत करिए वो बच्ची नहीं है। देखो हम दोनों का प्यार सदियों पुराना है। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक एल्फ के प्यार करने का यही सही तरीका है। हमें जीवन की मणि को बचाना होगा। हमारे अस्तित्व का यही मकसद है और ये बात तुम भी जानती हो। कृष्ण तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। आज के बाद तुम हमेशा खुश रहोगी। ये है जीवन की मणि, एल्फ के जीवन का स्रोत और हमारी शक्ति का भी स्रोत। हम एल्फ ही इससे शक्ति पा सकते हैं। कितना अच्छा है, मैं इतने करीब पहले कभी नहीं आई। शुरुआत में सिर्फ एक ही मणि थी। ईश्वर ने इसे दो भागों में बांट दिया, काला और हरा, जीवन और मृत्यु को दर्शाने के लिए। ये अंधकार और रोशनी की लड़ाई जिसे इंसानों की जिंदगी सदियों से लड़ती आ रही है। और किसी को नहीं पता कि काला मणि कहाँ है, पर इस मणि की सुरक्षा हम एल्फ सदियों से करते आए हैं। यहाँ पर महारानी अपनी शादी में ये मणि पहनती है, यही हमारा रिवाज है। इसकी शक्तियों से हमारे साम्राज्य में खुशी आएंगी। लाली शादी में ये मणि तुम पहनोगी। पक्का? पर मैं क्यों? काले मणि की वजह से मैं उसकी शक्तियों को जानती हूँ। वो अब भी है, उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है, वो पास आ रहा है। जीवन की मणि मेरी या शक्ति के हाथ में सुरक्षित नहीं है। हमें सिर्फ तुम पे ही भरोसा है, तुम ही इसकी सुरक्षा करोगी। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ये बहुत सुंदर है, मैं इसे कृष्ण को दिखाना चाहती हूँ। लाली हाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वाओ, एल्फ साम्राज्य तो कमाल का है। हाँ, लोगों का हमसे मुंह मोड़ना, हम पर गुस्सा दिखाना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। झूठ मत बोलो, एक मिनट। हाय, माफ कीजिए मैडम, मैं हूँ क्रिश, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अगर रहने दो क्रिश, तुम्हारी बकवास यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। मुझे तो बस सोने की कोई अच्छी सी जगह मिले। सोने के अलावा कुछ और भी कर लो। बस रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं इंसान हूँ, मुझे नाचना और गाना पसंद है। इनके लिए माफी चाहूंगा, लंबा सफर था ना। तुम सब अंदर आने से पहले अपना हथियार जमा करो। देखे मोहतरमा। ठीक है, क्यों नहीं। ये लो हथियार। ये लो पकड़ो। मत पकड़ना।
खाने को नहीं मिलता है क्या? इन्हें बहुत भूख लगी है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। सारे हथियार जमा करो। ओ, तो तुम उससे बात करना चाहती हो? मुझे बीच पर वॉक करना पसंद है, कैंडल लाइट डिनर भी। अगर तुम आओगी तो तुम्हें फूल जरूर दूंगा मैं। इनके पास और हथियार नहीं है। शुक्र है इस गैंडे का वजन कुछ तो कम हुआ। क्या कहते हो क्रिश? मकसद मत भूलना लाली, तुम कर सकती हो। अगर मुझे शादी का केक नहीं मिला तो किसी एल्फ को ही खा जाऊंगा। जीवन की मनी एल्फ का खजाना है, इसके आसपास क्रिश या कोई भी इंसान नहीं आ सकता। नहीं आ सकता? पर ऐसा क्यों? क्योंकि मनी को हमेशा लालच और लड़ाई से दूर रखना चाहिए, जिसका मतलब है कि इंसान कभी भी इसके करीब नहीं जा सकता। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरा क्रिश बहुत अच्छा इंसान है, वो भरोसेमंद है, भरोसा करती हूँ और वो मुझे प्यार करता है। तुम कब से जानती हो उसे? कुछ ही सालों से ना। कहते हुए दुख हो रहा है, पर तुम्हें उससे अब दूर रहना होगा लाली। नहीं नहीं प्लीज ऐसा करने मत कहिए, मुझे लगा आप तो मुझे समझती हैं। लाली ऐसी बात नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है लाली कि हम साम्राज्य की सुरक्षा करें। जो पूरा नहीं हो सकता उस प्यार के लिए हमारे जीवन को खतरे में मत डालो। लाली 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 माफ करना लाली। माफ करना। लल्लू मैं तुम्हें गोदी में उठाऊं, वैसे भी तुम्हें वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितना सुंदर नजारा है, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। टमाटर की चटनी। जिस तरह टहनियां आकाश की ऊंचाइयों को छूती हैं और जड़ें उन्हें मजबूती देती हैं, उसी तरह हमारा प्यार भी मजबूत रहे और हमेशा के लिए बना रहे। प्यार जिंदगी है और जिंदगी प्यार, हमारा साथ हमेशा बना रहे। लाली कुछ हुआ है क्या? मैं हमेशा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगा। ये तुम्हारे लिए है, ये तोहफा मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया, इससे मेरी याद बनी रहेगी। वाह ये बहुत अच्छा है। हे लाली मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या है। तुमने मेरे लिए धनुष बनाया, मैंने उंगली का कवच बनाया। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। हम दोनों का साथ भी इस धनुष और कवच की तरह बना रहेगा ना? क्या लाली मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता,
मेरा हथियारों का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं सुख और दुख में तुम्हारा साथ देने का वादा करता हूँ। मैं भी साथ दूंगी। हम दोनों के दो दिल जीवन के इस पेड़ के तले अब एक हो जाएंगे। लाली, हम भी एक हो जाते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा। एक जीवन दो शरीर, एक जीवन दो शरीर। हमारी किस्मत अब एक है, इस अंगूठी के साथ हमारे भविष्य भी एक है। हमारी किस्मत एक होगी, एक दूसरे के साथ हम आजाद हैं। एक दूसरे के साथ हम आजाद हैं। पर क्यों नहीं? जल्दी करो, ये क्या हो रहा है? देश से आने के लिए माफी चाहूंगी बहन, पर क्या करूं, मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला था ना। तुम सच में यहाँ गई? इसका यहाँ पर आना मना है। पकड़ लो उन्हें। सैनिकों, अपनी महारानी की रक्षा करो। नहीं, ये हिलको, इन सब से दूर रहो। हाँ? लाली। अब मैं किसको खाकर फेंकूं? तुझे? अरे भागो! तुम हमसे आखिर चाहते क्या हो मोहिनी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुमने वो मणि क्यों नहीं पहनी है? कहाँ है वो मणि? ऐसी जगह तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। बताओ कहाँ है वो मणि? जल्दी बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ इंसान? खुद आकर मुझे वो मणि दोगे। आज से 3 दिन के बाद मुझे पुराने जंग के मैदान में मिलना।
और अगली बार मुझ पर तीर मत चलाना बेवकूफ इंसान, तुम्हें बताया गया था ना? गोलू, मोलू! हमला करो! शिप तैयार करो, हम अभी निकलेंगे। जी सर। लाली, तुम्हें पता है नक्शा कहाँ है, जाओ लेकर आओ। इंसानों, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ निकलो। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी याद आएगी, मुझे माफ करना क्रिश। मैं भी साथ आता हूँ। नहीं, ये हम एल्व्स की खुद की लड़ाई है। जानता हूँ, पर ये बहुत खतरनाक है, प्लीज मदद करने दो ना, हम सब मिलकर उसे हराएंगे। तुम्हें जाना चाहिए, प्लीज जाओ क्रिश। अपना ख्याल रखना क्रिश। लाली। नहीं, एक मिनट, हम उनका पीछा करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। आ, उसने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे पता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ। वो ऐसा नहीं चाहती, मुझे पता है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। देख छोटू, राजकुमारी को बचाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस इतने में नहीं मानने वाला। तैयार कीजिए। और हाँ, वो मेरे कुत्तों को भी ले गई। कुत्तों को? नहीं, कुत्ते नहीं, मैं गोलू मोलू के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। हम पूरी गति में चल रहे हैं, दो दिन में पहुंच जाएंगे। लाली, जीवन मणि सुरक्षित है ना? हर हाल में सुरक्षा करना, किसी पर भरोसा मत करना। मोहिनी भरोसे के लायक नहीं है, कैसे मान ली कि वो महारानी को कुछ नहीं करेगी? उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माया को बचाने के बारे में तुम मत सोचो, वो मेरा और सैनिकों का काम है। तुम मणि की रक्षा करो, वो तुम्हारा काम है। लाली। अरे क्रिश, चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास योजना है, हम माया को मिलकर बचा सकते हैं। नहीं। क्या? हमने उन्हें बचाने का प्लान बना लिया है। हा? क्या है वो योजना? बड़े से शिप में जाओ और छुपकर वार करो। मेरे साथ चलो लाली, मैं तेज उड़ सकता हूँ और उन पर हमला भी कर सकता हूँ। भरोसा करो, अगर हम साथ हैं तो ऐसा कुछ नहीं जो हम ना कर सके। तुमने मेरा तोहफा क्यों नहीं लिया? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? वो बातें करने का ये सही वक्त नहीं है, यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। तुम मेरे पास आओ, ठंड नहीं लगेगी। हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? पुराना जंग का मैदान दक्षिण में है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। घबराओ मत, अजीब सा लग रहा है। चोट लगी है? नहीं, ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? मोहिनी का शिप यहाँ क्या कर रहा है? मणि क्यों नहीं पहनी? सीधी सी बात है, मुझे पता था तुम आओगी। किस्मत से कब तक लड़ोगी तुम? इन मणियों की किस्मत में लिखा है कि ये मिलकर रहेंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। शक्ति तुम्हें वो मणि कभी नहीं लेने देगा। तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम फिर वापस घर आ सकती हो। तुम कितनी अच्छी हो बहन। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी मेहनत से हासिल की हुई ये मणि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी? माफ करना ऐसा नहीं होगा, एक बार एल्फ के साम्राज्य का मुझे नक्शा मिल जाए तब तो तुम मेरी मदद करोगी ना बहन। आओ, मेरे पास आओ।
होगा? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर खास वजह के लिए बुलाया गया है। लाली, तुम्हें जाकर शक्ति को खबर देनी चाहिए। लाले, मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे छोड़ दो, कम से कम तुम तो बचोगे। बिल्कुल नहीं। थैंक्स क्रिश, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं, असल में दोनों ने एक दूसरे को बचाया। हमें शिप में वापस जाना चाहिए। वो वापस नहीं जा पाएगा। कहाँ थे तुम? हम मोहिनी के जहाज से वापस आ रहे हैं। महारानी उसके पास है। जैसा हमने सोचा वैसा नहीं है। मोहिनी तुम असल में मोहिनी से लड़ने एक इंसान के साथ गई? अपना मकसद कैसे भूल सकती हो? इतनी बड़ी बेवकूफी करते। मुझे माफ कर दीजिए। और आप क्या कर रहे थे? चुप रहो। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब निकलो और फिर कभी मत आना। इसीलिए हम इंसानों से दोस्ती नहीं करते। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपनी महारानी का भरोसा तोड़ा है लाली। इससे ऐसी बात मत कीजिए। ये सही कह रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए था, और तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। बात का बुरा मत मानना, पर तुम्हें जाना होगा। तुम हम में से एक नहीं हो। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो ना? बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, फिर कभी वापस मत आना। तुम सच कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो लाली? प्लीज क्रिश जाओ, तुम एल्फ नहीं हो। ख्याल रखना क्रिश। लाली, तुम बदल गई हो। ध्यान दीजिए, पूरी गति से आगे बढ़िए, जंग की तैयारी करो और कोई गलती ना हो। सुनो लड़के,
काले मणि की ताकत मेरे पूरे शरीर में, मेरे खून में दौड़ रही है। हर धड़कन में मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। क्या तुम भी इसे महसूस कर सकते हो? मेरे पास मेरी आवाज सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो नींद खुल गई तुम्हारी? आला देखो, कुछ लेते क्यों नहीं? इतने दुखी क्यों हो? हम जैसे लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए छोटो। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करती है। सच्चाई कड़वी होती लेकिन मानना तो पड़ेगा। इस रिश्ते का शुरू से कोई भविष्य नहीं था। अब रोना बंद करो। प्यार में किसी का दिल टूटता ये किसे पता होता है? अगर पता होता तो हम प्यार ही क्यों करते? ये सब तो होता ही रहता है क्रश, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पहली बार दिल टूटा है, पर कोई ना कोई होगी तुम्हारे लिए, समझे? अब तुम ज्ञानी की बात सुनो। सच्चे प्यार का मतलब होता है कि उसे आजाद छोड़ दो। पर हमारी कहानी अलग थी। आप दोनों को हमारी कहानी नहीं पता। मैं हार नहीं मानूंगा। ए, अब तुम कहां जा रहे हो? वो करने जो सही है। की रोशनी फिर से चली गई। तुम्हें लगता है कि बर्फ का पहाड़ देखकर इसे खुशी मिलेगी? तुमने प्राचीन जंग के मैदान की पवित्रता को भंग कर दिया है। अब तुम ड्रैगन की आत्माओं को भी चुराना चाहती हो? माया मेरी प्यारी बहन, डरने की जरूरत नहीं। काले मणि ने तुम्हें बदल दिया है। तुमने सारी हदें पार कर दी है। तुमने अभी जो भी कहा वो सब गलत है। आज जैसी एल्फ मैं हूँ ना, वो मणि की वजह से नहीं है, वो तुम्हारी वजह से। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ थी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, शुक्रिया कह रही हूँ माया।
मैं तुमसे कहीं बेहतर थी, फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज करते थे। सिर्फ तुम जीवन के मणि का इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए लोगों ने मुझे छोड़ दिया। अगर मेरी छोटी बहन को वारिस नहीं बनाया जाता और मैं बुरी एल्फ नहीं बनती, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आखिर मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। ईर्ष्या, नफरत, जलन, नफरत एल्फ में होना आम बात नहीं है, लेकिन जीतने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है ना? और अब मैं वो लेकर रहूंगी जो मेरा है। तुम लोग हो, तुम्हारे साथ क्रिश है? क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? मैंने ड्रैगन की एक कब्र अपने लिए खोल दी है। लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले एक ताकतवर ड्रैगन की आत्मा को इसी बर्फ के अंदर कैद रखा गया था। मैंने सोचा कि शायद तुम नया दोस्त चाहते हो। तुमने आने में ज्यादा वक्त ले लिया लड़के, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वैसे तुम हो कौन और मेरे साथ क्या किया है तुमने? हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। हम वो चाहते हैं जो हम पा नहीं सकते। हम एक जैसे नहीं हैं। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। खुद सोचो, हम अपनी चाहत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ना? और हमने आज तक जो भी किया उसकी कोई तरफदारी नहीं करता। क्या बात है, तुम्हारी तरह इसे भी किसी का इंतजार है। ड्रैगन की आत्मा ने इसे और मजबूत बना दिया है, इसे जीवन के मणि से मिलना ही होगा। क्या एक और मणि? लाली ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ, बताती भी कैसे, तुम इंसान जो हो, जब बात इस नायाब और अनमोल मणि की हो तो वो तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। ये एल्फ का मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? तो तुम हार मान रहे हो, बहुत बुरी बात है। मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे दो प्यार करने वालों को मिलाना बहुत पसंद है, और तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो ना? जब मैं महारानी बन जाऊंगी तो लाल सिर्फ तुम्हारी होगी। सच में? देखो, लाली की कीमत तो कोई लगा नहीं सकता, पर तुम बस एल्फ का नक्शा मुझे ला कर दो और वो तुम्हारी होगी। एल्फ का नक्शा ला कर दो मुझे। पहले इसे ठीक करो, फिर बात करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सौदा कर सकते हो? तो जाकर खुद ढूंढ लो नक्शा। तुम्हारे दोस्तों पर मेरे लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, तो बोलो क्या करना चाहते हो। या तो मेरे लिए वो नक्शा लाओ, या फिर तैयार हो जाओ जो होगा उसके लिए। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। एक बार फिर से सोच लो।
राजकुमार शक्ति, हमें महारानी का कुछ पता नहीं चला। भैया, अब हम क्या करेंगे? हम हार नहीं मान सकते। किसी को पता न चले, पर खोज जारी रखो। सावधान। सैनिकों को इकट्ठा करो। रोशनी में नाचते हुए फूलों के साथ खेलते हैं, हम लोग रात को शिकार पर जाते हैं बच्चे। तेरी तो ऐसे जल्दी उस शिप में चलिए। लाली मुझे एल्फ का नक्शा ला कर दो, वरना जो होगा वो देख लेना। ओह
देखो क्या हालत हो गई है। जब जंग खत्म हो जाएगा तो तुम इसे ठीक करोगे। सस्ता काम मत करना। हम तुम्हारी शिप ही खरीद लेंगे। चलो इंसान, अपनी कीमत बोलो। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों में इतनी अकड़ कहां से आती है। ये शिप मेरा है और इसकी कोई कीमत नहीं है। इस टूटे फूटे पुराने शिप की कीमत हो भी नहीं सकती। एक चांदी के थैले की औकात है इसकी। चांदी? कम से कम सोना कहते हैं, वो भी इतने बड़े बक्से में जितना बड़ा मैं दिख रहा हूँ, समझे? हाँ ठीक है। हाँ? अपना सामान समेट लो, मैं चाहता हूँ मेरे शिप से तुम लोग जल्द से जल्द निकल जाओ। फिर तो हमें नया शिप खरीदना होगा। अब जहाज को कैसे बेच सकते हैं? ज्यादा सिक्के मांगने चाहिए थे, है ना? अब हम लाली की मदद कैसे करेंगे? अरे जाओ, मुझे शिप नहीं बेचना, ये शिप मेरा है, वैसे भी अनमोल है। और हाँ, मुझे एल्फ के सिक्कों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सिक्के नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। चुप कर टिंगू। ऐसा क्यों किया? वो लोग मदद नहीं करते तो हम सबकी जान चली जाती। हमारे पास वैसे भी अब बहुत कम लोग बचे हैं, हमें मदद चाहिए। तुमने उसका हाथ देखा? काली मणि उस पर हावी हो रही है, वो हम सब के लिए खतरा बन सकता है। काली मणि? क्या होने वाला है मेरे क्रिश के साथ? वो काली मणि के वश में आ जाएगा, खुद को संभाल नहीं पाएगा वो, और बस काली मणि के इशारों पर नाचेगा, ठीक मोहिनी की तरह। जब मोहिनी खुद को संभाल नहीं पाए तो वो इंसान क्या कर पाएगा? जीवन की मणि से हम उसे बचा नहीं सकते। ये कोई खिलौना नहीं है कि खुद की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें। ये मणि काली मणि को दूर भगाती है ना, तो क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल? इसका इंसानों पर कभी इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, मैं इसके लिए हाँ नहीं कह सकता। जब मोहिनी खुद को नहीं संभाल पाई तो इंसान क्या कर लेगा? मुझे दो प्यार करने वालों को मिलाना बहुत पसंद है, और तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो ना। जब मैं महारानी बन जाऊंगी तो लाल सिर्फ तुम्हारी होगी। ये रहा यहाँ पर। चाचा मुच्छनलाल, क्या मैं उड़ने वाले यंत्र ले सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हो, किसी चीज को बनाने का फायदा ही क्या अगर कोई इस्तेमाल ना करे। बस जरा संभाल के चलाना, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से चलाना तुम। क्या हम लोग सच में कुछ नहीं कर सकते? हम इतनी आसानी से कैसे हार मान जाएं? वापस लौटते ही हम पड़ोसी साम्राज्य से मदद मांगेंगे, फिर कुछ करेंगे। और महारानी का क्या होगा? मणि की सुरक्षा ही महारानी की सुरक्षा है। इंसान कैसे? नहीं, तुम्हें अब भी इस पर भरोसा है? बहन ये देखो, अब तो और भी खूबसूरत लग रहा है। अब फिर कभी मेरी चाहत को हल्के में मत लेना। तिरस्कार झेलकर बहन, काले मणि को सिर्फ वो छू सकता है जिसके अंदर असली ताकत होती है। तुम्हें सच में लगा कि तुम इसे मुझसे चुरा लोगी?
मेरी छोटी बहन, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मुझे उस राजगद्दी पर बैठती देखो, लेकिन इसके बाद, तुम्हारी इस हरकत के बाद मैंने अपनी सोच बदल दी है। तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा है भला? रुको, उनसे कुछ मत करना, मैं नक्शा ले आया हूँ। नक्शा? नहीं रुको, इसे नक्शा मत दो, हमें वापस पहुँचा दो तो मैं नक्शा दे दूंगा। नहीं, तुम्हारी तुम्हारी औकात ही क्या है लड़के की तुम मुझसे सौदा करो। देखो क्या हुआ, और अब ये नक्शा भी मेरा। चलो इस नक्शे से पूछते हैं कि जीवन का मणि कहाँ है, कहाँ पर? तुम्हारी महारानी जाने को बेताब हो रही है। लाली, उसे चोट पहुंचाने की सोचना भी मत, सुना तुमने? किसने कहा कि मैं इसे चोट पहुंचाऊंगी? तुम पहुंचाओगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है कृष। लाली, मेरे अंदर काले मणि की शक्ति है, मुझे जीवन की मणि चाहिए। समझ गई? मोहिनी ने बताया मुझे। लाली, मुझे बचा लो। लाली, इसकी बात मत सुनो। कृष, भागो जल्दी। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है छोटे, भागो यहाँ से, भागो। मुझे जीवन की मणि दे दो, दो। मोहिनी, मोहिनी शर्म आनी चाहिए, मुझे लगा तुम लोग पहचान जाओगे। नहीं, लाली जल्दी करो, मत करो। क्या सोच रही हो तुम लाली? ये काम नहीं कर रहा है। कोई फायदा नहीं,
लाली। मनी इंसानों पर काम नहीं करती ना, तो मुझ पर तो करेगी। क्या कर रही हो तुम? जीवन की मणि को बचाने का मतलब ही क्या है लाली? इसको बचाने के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया है। क्या हम अपनों को ऐसे ही मरते हुए देखते रहे? अगर ऐसा है तो इस मणि को बचाने का मतलब क्या है? इससे तुम में भी काली मणि की शक्ति आ जाएगी। मुझे करना होगा। लाली, लाली, क्रिश, तुम ठीक हो गए? देखो रोना मत लिया, तुम जो कर सकती थी तुमने किया, सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी और इस लड़ाई में फंस गया। मुझे शौक था हीरो बनने का, तुम्हारी मदद करने का, और मेरी वजह से सब लोग खतरे में पड़ गए। मेरी जिंदगी छोटी है जानता हूँ, वो भी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा। महारानी को उसने अंधेरी गुफा में बंद करके रखा है, उनकी जान खतरे में है। लाली, हमें महारानी के पास जाना होगा, हम साथ चल सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? सुनो लंबे कान, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हूँ। टिंगू भी साथ में है। जबान संभाल के। लाली मेरी बात सुनो, हम सब मिलकर लड़ेंगे। अंधेरी गुफा की तरफ आगे बढ़ो। अच्छा, तो हमसे मिलने मेहमान आ रहे हैं? हाँ, अब उनका स्वागत तो मुझे अच्छे से करना होगा।
लाली, मुझे चुपचाप वो मणि दे दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, और मैं भी नहीं होने दूंगा। लाली, जल्दी जहाज से उन पर हमला करो। चलो जल्दी, वो वहां है। माफ करना। माया वहां पर बेहोश है, पर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्या और कोई रास्ता नहीं है? उड़ने वाला यंत्र होता तो उड़ के जा सकते थे। हाँ। रुको, एक आइडिया है। निकलना होगा। नहीं, आगे रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे बार बार के नाटक से थक गई हूँ। लाली, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ, तो तुम मेरी ताजपोशी देखकर खुशी मना लेना। लाली, अब तुम चुपचाप मुझे जीवन का मणि दोगी? तुमने बहुत देर कर दी। क्रिश, नहीं। कहाँ है जीवन का मणि? देखो क्रिश, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचाओ। क्या किसी को लाली के जीवन की फिक्र नहीं है? अब तुम इसे बचा नहीं पाओगे। लाली! Ah!
क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो मेरे साथ थे। मणि अब तुम्हारी नहीं है और ये किसी की भी नहीं हो सकती। माया। ये मणि मेरा है। आराम से गोलू। मैं भी खुश हूँ बोलू। अरे बस 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 भी करो महारानी। बस करो। शुक्रिया महारानी, मदद के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? दाईं तरफ चलो, वो ठीक हमारे पीछे है। देखो भागो। मुझे यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। अब हम क्या करें? वो चुड़ैल तुम्हारी बहन है। मुझे लगता था सिर्फ मेरी बहन ही चुड़ैल है। दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो, एक आइडिया है। पर आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे भरोसा है, हमें भी भरोसा है। मुझे भी। पकड़ा है।
ठीक हो जाएगा कृष, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनो कृष, देखो तुम्हारी दी हुई अंगूठी मैंने पहन ली, देखो। और एक बात बताओ, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। लाली,
कृष, तुम जिंदा हो। बदमाश हो तुम। लाली चुप रहो, फिर कभी ऐसा करने की सोचना मत। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज तक किसी भी इंसान का मणि से मिलन नहीं हुआ। शायद आपको इंसानों को अलग नजरिए से देखना चाहिए। कृष सबूत है कि इंसान भी बलिदान कर सकते हैं। शायद मणि हमें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए। ओए कृष वापस आ गया, अपना छोटा वापस आ गया। ओए होए, घबराओ मत गोलू मोलू, मैं इसे ठीक कर दूंगा और फिर ये उड़ने लगेगा। ये फूल बहुत खूबसूरत है। ये आपके लिए है, एक तोहफा आपके लिए। तुम क्यों हंस रहे हो? बस करो मजनू भाई। This movie is encoded by Toon World for all got me.
Ugh!